वेलकम टू मैथमेटिक्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस पर डेरिवेटिव एक बहुत ही यूज़फुल टूल है न सिर्फ मैथमेटिक्स में बल्कि रियल वर्ल्ड में भी इसके अलावा डेरिवेटिव्स जो है वो डिफरेंट दूसरे फील्ड्स में भी यूज़ किया जाता है जैसे कि फिजिक्स में डिफरेंट इक्वेशंस को फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए ड्राइव करने के लिए डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं इसी तरह केमिस्ट्री में भी डेरिवेटिव को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में हम डेरिवेटिव्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं तो फर्स्टली हमारे पास है कि हम डेरिवेटिव uh, को यूज़ करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए यानी कि किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट यूज़ हमारे पास है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटी टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वान्टिटी एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए भी हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए भी हम इंस्टेंटेन डेरिवेटिव को यूज करते हैं इसके अलावा Uh, हम इक्वेशन अगर हम टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी कर्व पे कोई टेंजेंट है तो भी हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं टू फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टू फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड नॉर्मल टू ए कर्व किसी भी कर्व पे टेंजेंट uh, या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए भी डेरिवेटिव्स यूज होते हैं थर्ड है थर्ड हम डेरिवेटिव को कहाँ पर यूज़ करते हैं कि कोई भी इंटरवल में अगर हम फंक्शन बताना चाहते हैं कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है टू फाइंड द इंटरवल इंटरवल को फाइंड करने के लिए टू फाइंड दी इंटरवल इन विच इन विच इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो किसी भी फंक्शन का वो इंटरवल के जिसमें फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो इंटरवल हम वो पर्टिकुलर इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए भी हम डेरिवेटिव यूज करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसी तरह से हम किसी भी कर्व का टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए भी डेरिवेटिव यूज करते हैं यानी कि फोर्थ हमारे पास इसका एप्लीकेशन क्या है टू फाइंड टर्निंग पॉइंट ऑफ ए कर्व, टू फाइंड टर्निंग पॉइंट ऑफ ए कर्व, टर्निंग पॉइंट ऑफ ए कर्व, यानी कि टर्निंग पॉइंट के क्या मतलब है टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहां पर फंक्शन की वैल्यू जो है ना तो इंक्रीज कर रही होती है ना ही डिक्रीज करती है उस पॉइंट से एग्जैक्टली exactly पहले फंक्शन की वैल्यू या तो इंक्रीज करती है या फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है इसी तरह उस पॉइंट के बाद फंक्शन की वैल्यू या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी तो वो टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए भी हम डेरिवेटिव यूज करते हैं इस तरह से एंड हैं तो टर्निंग पॉइंट अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता चल जाता है टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ ए कर्व एंड हेंस मैक्सिमम एंड एंड हेंस फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए ऑफ ए फंक्शन इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस इंटरवल पे जो कर्व है हमारे पास अगर हम एक कर्व पे चेक करें आ, उसका टर्निंग पॉइंट तो हम बता सकते हैं कि किस इंटरवल पे कर्व जो है उसका फेस अप है किस इंटरवल पर उसका फेस डाउन है ठीक है इस तरह से इसके अलावा हमारे पास है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो भी हम डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं तो फिफ्थ हमारे पास क्या है टू फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है जिस तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना चाहते हैं स्के रूट ऑफ सेवनटीन तो ये हम डेरिवेटिव को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं साइन थर्टी वन डिग्री तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव को यूज़ करके तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी भी क्वान्टिटी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब ये है कि इस तरह से हम कोई भी क्वांटिटी जो है उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव को यूज़ करके तो ये हमारे पास कुछ जो हैं वो डेरिवेटिव्स uh, के एप्लीकेशंस हैं इसके अलावा भी रियल uh, वर्ल्ड में भी रूटीन लाइफ में भी डेरिवेटिव के कई बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और uh, दूसरे फील्ड ऑफ uh, जो है वो साइंसेज़ हैं हमारे पास उनमें भी डेरिवेटिव uh, के कई एप्लीकेशंस हमें मिलते हैं